हाई एवरी वन वेलकम टू एन अकाडमी नीट मेरा नाम है सीप पाउजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट इन नीट यू जी कैटेगरी आज आपको हाल ही में पता चला होगा दैट फाइनली द काउंसिलिंग स्कड्यूल ऑफ नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज़ आउट बहुत सारे डिले हुए बहुत सारा वेट करना पड़ा बिकॉज एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना था उस जजमेंट के बाद बेटा आज कुछ ही देर पहले आपकी काउंसिलिंग का स्कड्यूल रिलीज हुआ है एंड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस देखिए काउंसलिंग आपको मैंने पहले एक डिटेल्ड वीडियो में बताया था कि काउंसलिंग दो तरीके से होती है ऑल इंडिया एंड स्टेट उसका मैं डिटेल आपको दोबारा से वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक करा दूंगी जो बच्चा वो देखना चाहता है कुछ चेंजेस हुए हैं उस प्रोसीजर में क्योंकि वो पिछले साल के अकॉर्डिंग है जो चेंजेस हुए हैं वो मैं आज आपको यहाँ बताऊंगी तो काउंसलिंग का स्केड्यूल आता कहाँ पर है एज यू कैन सी द वेबसाइट दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है दैट इज़ एम मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी की वेबसाइट है आप कैसे इसको सर्च कर सकते हैं आप गूगल पे या ऊपर एड्रेस बार में डालिए एम सी सी डॉट नेट डॉट इन यू विल सी द काउंसलिंग पेज अब काउंसलिंग पेज में आप देख रहे हैं देर आर मेनी न्यू इवेंट्स आप ऊपर देखिए देर इज होम होम के बगल में ही क्या लिखा हुआ है काउंसिलिंग स्केड्यूल विच इज न्यू जैसे काउंसलिंग स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे यू विल सी द होल स्केड्यूल ऑफ द काउंसिलिंग लाइक दिस तो मैं आपको स्केड्यूल थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी रहेगी सो लेट मी मूव टू स्कड्यूल मैंने यह सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लिया आप भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं देखिए काउंसलिंग जो है वो चार राउंड में होगी राउंड वन राउंड टू मॉपअप राउंड एंड स्ट्रे राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड तो वन बाय वन हर राउंड को डिस्कस करते हैं सबसे पहले राउंड के बारे में बात करते हैं एज यू कैन सी ओवर हेयर सबसे पहले बेटा वेरिफिकेशन ऑफ सीट

ठीक है एंड पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 3 पीएम ऑफ 24th ऑफ जनवरी यानी कि 19 टू 24 जनवरी आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे पे करेंगे एंड देन आपके पास आएगा चॉइस फिलिंग लॉकिंग का काम चॉइस फिलिंग बेटा कब से स्टार्ट हो जाएगी 20 से यानी कि अगर आपने 19th को रजिस्टर किया आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा चॉइस फिलिंग का मतलब होता है यू विल गिव योर प्रेफरेंसेस मेरा कॉलेज नंबर वन प्रेफरेंस कौन सा है टू कौन सा है थ्री कौन सा है ठीक है ट्वेंटी जनवरी तक आपको चॉइस फिलिंग की अलाउ uh, किया गया है एज पर द चॉइस लॉकिंग फ्रॉम फोर पी एम टू इलेवन फिफ्टी फाइव ऑफ सेवेंटीन एज पर द सर्वर टाइम ठीक है तो चॉइस फिलिंग का ये समय है चॉइस फिलिंग के बाद बेटा इंटरनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो वेरीफिकेशन करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स का एंड देन आपको सीट्स अलॉट हो जाएंगी ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी एट जनवरी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए आपने पे कब किया अराउंड नाइनटीन जनवरी को एंड ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट्थ को आपको सीट अलॉट हो जाएगी और उसका रिजल्ट आएगा ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जनवरी यानी कि ये सारा प्रोसेस होने में कितना समय लगा है सिर्फ छः दिन लगे हैं थोड़ा जल्दी इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिलेड है ये अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो सेशन कब स्टार्ट करेंगे ठीक है तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जनवरी एंड आपको रिपोर्ट करना होगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर आप वो एक्सेप्ट करते हैं कॉलेज तो थर्टी जनवरी तो फोर्थ फेब के बीच में आपको रिपोर्टिंग सो देर इज जस्ट वन डे गैप बिटवीन दिस दिस टू ठीक है अब जिन बच्चों को सीट नहीं मिली या जो राउंड टू में ट्राई करना चाहते हैं राउंड टू में बेटा फिर से वही सेम प्रोसीजर होगा राउंड टू में अब देखिए यहाँ पर फिर से कॉलेज के भरने का मैट्रिक्स का टाइम दिया हुआ सेवंथ फिफ्ट फर्स्ट वाले कॉलम में देखो ठीक है वो इस वजह से कि जिनकी सीट्स बच गई मान लीजिए ऊपर एक कॉलेज है केजीएमसी केजीएमसी की हंड्रेड फॉर एक्साम्पल सी नाइनटी एट राउंड वन में फिल हो गई लेकिन दो सीट्स रह गई तो वो अपनी दो सीट्स यहां पर रजिस्टर करेगा एमसीसी को बोलेगा कि मेरी दो सीट्स हैं वो आप यहां पर राउंड टू में डाल दीजिए या फिर जो कॉलेज को इंस्टीट्यूट जो राउंड वन में नहीं अपनी मैट्रिक्स दे पाया सीट्स नहीं दे पाया किसी वजह से जैसा लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था गोरखपुर के कॉलेज के साथ वो अब किस में देंगे यहां पर राउंड में रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है? फिर बच्चे को बेटा समय दिया जाएगा 9th to 14th of February, ठीक है? जिसमें आप रजिस्टर कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे एंड उस, उसके बाद आपके पास तक टाइम है चॉइस फिल करने का चॉइस के बाद बेटा आपका आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे अल्टीमेटली आपको सीट अलॉट हो जाएगी 18th के बीच में रिजल्ट आ जाएगा नाइनटीन

ट्वेल्थ मार्च तक आ रहे हैं एंड देन आता है बेटा अ न्यू काइंड काइंड ऑफ राउंड लास्ट वाला जो राउंड है दैट इज स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बात करें तो नई चीज क्या है आप दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते राउंड वन में यू कैन रजिस्टर राउंड टू में यू कैन रजिस्टर राउंड थ्री में यू कैन रजिस्टर बट स्ट्रे वैकेंसी वाले राउंड में फोर्थ राउंड में नो न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी एक्सेप्टेड पेमेंट ऑप्शन फॉर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड कोई पेमेंट नहीं होगी कोई नई रजिस्ट्रेशन नहीं, नहीं होगी कोई फ्रेश चॉइस नहीं भर पाओगे जो मॉपअप राउंड यानी कि जो थर्ड राउंड में आपने चॉइसेस भरी हैं, वही चॉइसेस आपकी काउंट होंगी यहां पर एंड द चॉइसेस एक्सरसाइज इन मॉपअप राउंड विल बी यूज फॉर अलॉटिंग द सीट और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर पाएगा जिसको ऊपर के तीन राउंड में सीट नहीं मिली है इट्स नॉट लाइक कि आप सीट ब्लॉक करके वहाँ बैठ सकते हैं ठीक है एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट्स कैन पार्टिसिपेट दे आर द ओनली वन हु कैन पास पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या चीज़ नहीं है यहाँ पर देखिए पहले जो राउंड फोर होता था वो यूजअली ऑफलाइन होता था ठीक है लेकिन यहां पर जो राउंड फोर आ रहा है राउंड राउंड है दैट इज नाउ ऑनलाइन ठीक ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को आपको सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा और रिजल्ट आ जाएगा ट्वेंटी सेकेंड मार्च आपको रिपोर्ट कब करना है ट्वेंटी सिक्स मार्च तक यानी कि जो आपके नए सेशन स्टार्ट होंगे वो आपके मोस्ट प्रोबली अप्रैल में स्टार्ट होंगे ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी ट्वेंटी टू का बैच कहीं एक साथ ना पढ़ रहा हो यहाँ पर ठीक है तो इस तरीके से बेटा आपका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा प्रॉब्लम कहाँ आती है कई बारी प्रॉब्लम आती है कि हम कौन से कॉलेज को ऊपर रखें कौन से कॉलेज को नीचे रखें तो मैं इस पर भी एक सेपरेट सेशन बनाऊंगी आई टेल यू कि हाउ टू रैंक द कॉलेज एंड हाउ टू मेक प्रॉपर चॉइसेस देखिए ये सबसे ट्रिकी काम है बाकी सब तो आप प्रोसीजर देख के पढ़ लोगे गे वहाँ पर क्या पेमेंट है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है यू कैन अंडरस्टैंड बट आई विल मेक अ प्रॉपर लिस्ट कि किस बच्चे को किस टाइम पर कौन सा कॉलेज भरना चाहिए वो मुझे जरूर बताना अगर वैसा आपको वीडियो चाहिए कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड प्लीज अगर आप ट्वेंटी ट्वेंटी टू के आपका कोई सीनियर है तो उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए सो दैट ही कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेरिंग एंड ही कैन ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग एट वेरियस कॉलेजेस कि किस तरीके से मुझे फिल करना है मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि है क्या बेटा ओके okay. जस्ट हाँ जी क्या है यहाँ पर आपके पास चार राउंड आएंगे टोटल राउंड वन राउंड टू देन थर्ड राउंड इज कॉल्ड एज मॉपअप राउंड एंड फोर्थ राउंड इज कॉल्ड एज स्ट्रे वैकेंसी राउंड ठीक है अब ये जो बेटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ये भी क्या होने वाला है इस बार ऑनलाइन होने वाला है और इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको ऊपर के तीन राउंड्स में सीट नहीं मिली है ठीक है नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नो फ्रेश पेमेंट विल बी अलाउड इन दिस ट्रे वैकेंसी राउंड राइट सो पास ऑन दिस मैसेज टू ऑल द 2021 ट्वेंटी वन कैंडिडेट्स एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू इससे मोटिवेट हो सकती है कि येस नेक्स्ट ईयर आप भी इसी जगह पर होंगे एंड आई बिलीव कि आप ऐसी जगह पर हों जिसमें आप सबको राउंड वन में ही कॉलेज मिल जाए आपके इतने अच्छे मार्क्स आएँ यही मेरी उम्मीद है यही मेरी इच्छा है बाकी अन अकेडमी पर आपकी क्लासेस चल रही हैं फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू पीपल एवरी डे थ्री पी एम फाइव थर्टी पी एम आई कम लाइव एंड आई कम्प्लीट होल ऑफ द बायलॉजी आप उसमें एनरोल कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट के लिए बिटेक प्रोडजी अन अकेडमी का ऑनलाइन मॉक टेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट मॉक्सेट मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें जरूर एनरोल कीजिएगा अगर आप 2022 के एस्पिरंस हैं रेस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग प्रोसीजर आई विल टेक अ लीव थैंक यू सो मच